सरकार से यही मांग करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी हजूर पिताजी को रिहा करें, हमारे बीच में आए, समाज सुधार के जो हमारे बीच में जो गुण भरे हैं, हमारे बीच में जो संस्कार भरे हैं वो और ज्यादा भरे और समाज का भलाई का काम है, दिनों दिन दिन दुगनी रात सोगनी हो और हमारे देश समाज और हमारे भारत देश का नाम रोशन करे हजूर पिताजी से। यही करें, सरकार से यही मांग करेंगे जल्द से जल्द हजूर पिताजी को रिहा करें। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लगातार जनता के बीच में हैं, लगातार सवाल कर रहे हैं गुरु राम रहीम जी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में। आज जनता क्या मानती है, क्या कहना चाहती है? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? किशोरी लाल जी। क्या काम करते हैं सर? मैं केनाल पटवारी जी, सरकारी सर्विस में। जी सर, सर गुरु राम रहीम जी के बारे में क्या जानते हैं आप? मैं मेरे मतलब पिताजी मेरे दादाजी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं और मैं हजूर पिताजी के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, क्योंकि ये समाज के लिए इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, जैसे शराब है, नशा है वगैरह वगैरह रोकने के लिए जो भी गलत काम होते थे उनके लिए इन्होंने हजूर पिताजी ने हमारे को एक प्रेरणा दी कि भी इस ये गलत काम है, इसको रोका जाए, आप मानवता भलाई के कार्य करो। किस तरह के मानवता भलाई के कार्य है गुरु राम रहीम जी चलाते हैं? जैसे ड्रग माफिया है, शराब है, भीम पोस्ट है, मतलब जो ये भूरण कन्या हत्या थी और ब्लड दान था, ये मतलब समाज के बहुत सारे हमारे को इसके लिए प्रेरित किया है, अभी हम आगे मतलब समाज की सेवा करें। हम ये काम सारा हजूर पिताजी की प्रेरणा से ही कर सकते हैं, पहले हमारे में ऐसा कोई गुण नहीं था जो हम मानवता भलाई के कार्य कर सके। सर अब देखी जाए 2-3 साल हो गए हैं गुरुजी समाज में नहीं है, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के अंदर उनका ना रहने से? देखो जी, हजूर पिताजी के टाइम में मतलब ड्रग माफिया है, जो बुरे काम थे उस पे मतलब 90% अंकुश लग चुका था, और अब हजूर पिताजी के 2 साल मतलब गए थे उसके बाद ये फिर से पनपने लगा है। तो अगर सरकार ने इस बारे में हजूर पिताजी को हमारे बीच में नहीं लाने दिया तो ये मतलब फिर से बेहतर हालात हो जाएंगे, मतलब वेश्यावृत्ति का है, दारू का है, भीम पोस्ट का है, ड्रग्स माफिया का, ये अंधाधुंध काम अभी भी चलने लग रहा है। चिट्टे का हमारे एरिया में इतना प्रकोप है कि भी आज के जो 15 साल से लेके 20 साल के जो बच्चे हैं सभी ड्रग्स ये चिट्टे का प्रयोग करते हैं, तो इतना बुरा हाल हो रहा है। जब हजूर पिताजी गए हैं उसके बाद से शुरू हुआ है ये, तो हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि भाई हजूर पिताजी को हमारे बीच में लाएं और ये जो गलत काम है इन पे ज्यादा जल्दी से जल्दी अंकुश लगे, नहीं हमारा समाज नष्ट हो जाएगा। सर बहन बेटियों के भी ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उसका क्या कारण लगता है? हाँ अभी भी बहुत बहन बेटियों पे भी वही हजूर पिताजी ने बहुत मतलब इस पे अंकुश लगाया था, अभी भी बलात्कार के केस दिनों दिन अखबार आप पढ़ के देखो, आप मीडिया में आपको पता ही है, लेकिन अखबार में हर रोज 10-20 ऐसा केस आते हैं, भी आज 5 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, आज उसके साथ रेप हुआ, आज इस तरह हुआ है। और लड़कियों के लिए हजूर पिताजी ने इतना किया, जो अपंग लड़की है उसको भी जो होनहार युवा पढ़ा लिखा जो उसको मतलब अपनी शादी करने के लिए राजी था, तो ऐसे हमारे अंदर हजूर पिताजी ने अपने संस्कार भरे। क्या आपको लगता है आज समाज को गुरुजी की जरूरत है? बे इंतहा जरूरत है जी, बे इंतहा जो कह दे उतनी, जैसे आज हम मैं हजूर पिताजी की प्रेरणा से मेरी पांच साल की भी लड़की और 20 साल की भी लड़की है, मैं 3 गुड़िया का फादर हूँ, मैं आज भी इच्छुक होकर मेरी गुड़िया को दरबार में भेज सकता हूँ, और मैं जब गांव में गुड़िया किसी काम के लिए जाती है तो या मैं आप या मेरी मिसिज दोनों उनमें से कोई बच्चे के साथ जाते, वरना मैं हम मेरी बेटी को बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि समाज में ऐसी अब कुरीतियाँ फैल चुकी हैं, वो सिर्फ ये सरकार और मीडिया जो गलत लोग हैं उनकी वजह से फैल रही हैं, क्योंकि हजूर पिताजी एक अच्छा कार्य कर रहे थे और उनको जी ये रोक लगा रहे थे, ये रोक न लगे इसलिए सरकार और मीडिया ने ये अपना जाल बिछा कर, ये शरारती तत्वों ने जाल बिछा कर हजूर पिताजी को अंदर किया है, और वो चाहते हैं भी वही फिर पहले वाली बात सामने आ जाए, वो पहले वाला चाल चलना चाहते हैं। अगर हजूर पिताजी जल्द से जल्द वापिस ना आए तो ये बात उसी तरह फैलेगी और फिर इसको सरकार के
बस में नहीं रहेगी। और जूर पिताजी को एक दिन जरूर एक दिन उनको मजबूरी वंश रिहा करके हमारे बीच में लाना होगा और फिर डेरा सच्चा सौदा जूर पिताजी समाज को सुधार करेंगे। सर, लेकिन गुरुजी के ऊपर बहुत सारे रोप लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या लगता है? ये सरासर झूठ है जी, 100% झूठ है। मैं सन हजूर परम पिता जी से नाम लेवा जी हूँ और मेरे परिवार पहले से मस्ताना नाम जी से, मैं बचपन से जाता रहा हूँ और अभी भी जाता हूँ, लेकिन ये सरासर झूठ है। मेरी बेटी, मेरी मिसेज, तीनों बेटियाँ हैं, रात और दिन बेचक दरबार में जाती हैं और हजूर पिताजी पे ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये तो बहुत ही कह नहीं सकते, इतना झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। और आप मीडिया जो इसको दिखा रहे हैं, जो मीडिया ने दिखाया है, ये इतना गलत दिखाया है कह नहीं सकते जी, बहुत ही गलत दिखाया है। इस तरह से क्यों किया जा रहा है सर? ये बस भी ये जो समाज में भलाई कर रहे हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो ऐसा उनका मतलब इस पे वो बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनका वो जो बेनिफिट था वो खत्म हो रहा था, इसको भी वो अपना बेनिफिट लेने के लिए, कुछ बेनिफिट देने के लिए और ये जाल बिछा के गुरु जी को अंदर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार लोग चीख चीख कर मांग कर रहे हैं कि समाज को बहुत सख्त जरूरत है सेंटर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साथ की, किस तरह से नौजवान नशे में घुसते जा रहे हैं क्योंकि गुरु जी समाज में नहीं। सोचिएगा जरूर दोस्तों और अपनी राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।